दानियल 12वां बाब। और उस वक्त मिकाइल मुकर्रब फरिश्ता, जो तेरी कौम के फरजंदों की हमायत के लिए खड़ा है, उठेगा, और वो ऐसी तकलीफ का वक्त होगा कि इब्तदाए अकवाम से उस वक्त तक कभी ना हुआ होगा। और उस वक्त तेरे लोगों में से हर एक जिसका नाम किताब में लिखा होगा रिहाई पाएगा, और जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बथेरे जाग उठेंगे, बाज हयाते अबदी के लिए और बाज रुस्वाई और जिल्लते अबदी के लिए। और अहले दानिश नूरे फलक की मानिंद चमकेंगे, और जिनकी कोशिश से बथेरे सादिक हो गए सितारों की मानिंद अब्दुल अबाद तक रोशन होंगे। लेकिन तू ए दानियल, इन बातों को बंद कर रख और किताब पर आखिरी जमाना तक मोहर लगा दे। बथेरे इसकी तफ्तीश और तहकीक करेंगे और दानिश अफजू होगी। फिर मैं दानियल ने नजर की और क्या देखता हूं कि दो शख्स और खड़े थे, एक दरिया के इस किनारा पर और दूसरा दरिया के उस किनारा पर। और एक ने उस शख्स से जो कितानी लिबास पहने था और दरिया के पानी पर खड़ा था पूछा कि इन अजायब के अंजाम तक कितनी मुद्दत है। और मैंने सुना कि उस शख्स ने जो कितानी लिबास पहने था जो दरिया के पानी के ऊपर खड़ा था दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर हय्युल कय्यूम की कसम खाई और कहा कि एक दौर और नीम दौर। और जब वो मुकद्दस लोगों के इक्तदार को नेस्त कर चुकेंगे तो ये सब कुछ पूरा हो जाएगा। और मैंने सुना पर समझ ना सका, तब मैंने कहा ए मेरे खुदावंद, इनका अंजाम क्या होगा? उसने कहा ए दानियल, तू अपनी राह ले, क्योंकि ये बातें आखिरी वक्त तक बंदो सरबा मोहर रहेंगी। और बहुत लोग पाक किए जाएंगे और साफ ओ बराक होंगे, लेकिन शरीर शरारत करते रहेंगे, और शरीरों में से कोई ना समझेगा पर दानिश्वर समझेंगे। और जिस वक्त से दायमी कुर्बानी मौकूफ की जाएगी और वो उजाड़ने वाली मकरू चीज नस्ब की जाएगी, 1290 दिन होंगे। मुबारक है वो जो 1335 रोज तक इंतजार करता है। पर तू अपनी राह ले जब तक के मुद्दत पूरी ना हो, क्योंकि तू आराम करेगा और अय्याम के इख्तिताम पर अपनी मिरास में उठ खड़ा होगा।